नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपा। स्वागत है मेरे चैनल में, जिसका नाम है मेरी माँ की रेसिपी। और दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूं कटबेल का खट्टा मीठा चटनी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये बेल के जैसा ही दिखता है। ये देखिए मैं दो लिया है। इसका हम चटनी बनाएंगे। इसका नाम कटबेल है दोस्तों। तो ये देखिए, हमने खोल लिया इस तरह से, इसका सारा सामान निकाल लिया। और ये देखिए, ख़राब निकल गया है, इसे हम यूज नहीं करेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए लाल मिर्च गैस में पका हुआ, थोड़ा सा नमक, दो चम्मच चीनी और थोड़ा सा सरसों का तेल। तो सबसे पहले हम इसे चम्मच की सहायता से अच्छा से मैश कर लेंगे। इसके बाद हम चीनी इसमें ऐड करेंगे, साथ में सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक। और ये देखिए, हमने इसे गैस पे पकाया है लाल मिर्च। इसे हम इस तरह से तोड़ तोड़ के डालेंगे, ताकि चटनी हमारा खट्टा मीठा और तीखा बने। तो ये देखिए, कटबेल जो होता है वो हल्का खट्टा खट्टा रहता है। तो इसे हम हाथ से मल ले रहे हैं, ताकि अच्छा से ये मल जाए। ये देखिए, मिल गया पूरा अच्छा से। तो ये खाने के लिए तैयार हो गया दोस्तों। तो बच्चे लोग इसमें पसंद करते हैं, इसलिए मैं बच्चों के लिए इसमें भर के रख रही हूँ। बाकी जो बचा है उसे चावल के साथ मैं खाऊँगी। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं चावल के साथ। तो आप ज़रूर बनाइएगा खट्टा मीठा कटबेल का चटनी। बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं दोस्तों, 5 रुपये का एक मिलता है ये। तो ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं टिप्स में 5 उपाय बताऊंगी महामारी यानी कोरोना से बचने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, इस वायरस को इग्नोर ना करें, बल्कि छोटी छोटी सावधानियां बरतने से हम लोग ये कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। ये बहुत ही भयानक बीमारी है दोस्तों, इसका अभी तक इलाज नहीं निकला है। तो प्लीज़ इससे बचिए। पहला सावधानी, जब भी खाने का पैकेट आए तो उसे ज़रूर सर्फ के घोल में डुबोकर धोकर यूज करें दोस्तों। इसे ज़रूरी है धो के यूज करना। बच्चे लोग कुरकुरे खाते हैं, तो उसे प्लीज़ अभी खाने ना दें। दूसरा, जब भी बाहर से आएँ तो साबुन से ज़रूर हाथ धोएं, या भी कुछ भी खाना खाएं, कुछ भी, तो ज़रूर दोस्तों साबुन से ज़रूर हाथ धोएँ। हाथ धोने से सारे कीटाणु मर जाते हैं। और तीसरा, जब भी पानी पिएं तो गर्म पानी ही पिएं, यानी कि गुनगुना पानी पीने से अगर गले में खराश है या खांसी है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है दोस्तों। तो ज़रूर ये करें, गर्म पानी ही पिएं, अभी फ्रिज का पानी एकदम ना पिएं दोस्तों। और हाँ, एसी ना चलाएं, पंखे से ही काम चलाएं कुछ दिनों तक। चौथा, बच्चे लोग टाइम पास करने के लिए इंडोर गेम ही खिलाएँ, जैसे लीडो, चेस, कैरम या फिर ड्राइंग। बच्चे लोग को ड्राइंग बहुत पसंद है, उन लोगों को ड्राइंग करना सिखाएं, बच्चे लोग बहुत शौक से सीखेंगे। और पापा लोग को कहिएगा कि योगा करें, और साथ में बच्चे लोग को भी योगा कराएं, क्योंकि योगा करने से बच्चे हेल्दी रहेंगे और आप भी हेल्दी रहेंगे। पाँचवा, हेल्दी खाना खाएँ, रात में जल्दी खाना खाएँ। और हाँ, बासी खाना तो बिल्कुल नहीं खाएँ दोस्तों, अभी एकदम नहीं खाएँ। जितना ज़रूरत हो उतना ही बनाएँ। अब फ्रिज का रखा खाना एकदम नहीं खाएं, क्योंकि फ्रिज का रखा खाने से आदमी का तबीयत ख़राब हो सकता है। ये छोटी छोटी सावधानियां बरतने से हम लोग वायरस को हरा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जान है तो जहान है। प्लीज़ दोस्तों, मेरे बात में गौर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पसंद आए या भी मेरा टिप्स अच्छा लग रहा है दोस्तों, या उपाय, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।